वर्ग अष्टम है लेसन टू पार्ट दो। लेसन का नाम है कविकुल गुरु कालिदास। इसमें हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर एक कंप्लीट था, क्वेश्चन नंबर टू आपके वीडियो में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर तीन से बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर तीन कहता है संस्कृत में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपके पास पांच सेंटेंस है, तो क नंबर में देखिए बचपन में कालिदास मूर्ख थे, तो इसका अनुवाद हम लोग करेंगे बचपन में। तो इसको लिखेंगे बाल्यकाले यानी बचपन में। अब कहता है कालिदास, कालिदास के लिए होगा कालिदास। अब है मूर्ख थे, तो मूर्ख आसित। बचपन में कालिदास मूर्ख थे, तो बाल्यकाले कालिदास मूर्ख आसित। अब ख नंबर में प्रश्न है महाकाली के आशीर्वाद से वह विद्वान बने, तो महाकाली के संबंध कारक षष्ठी है, तो इसको लिखेंगे महाकाल्या यानी महाकाली के। अब कहता है आशीर्वाद से आशीर वादेन मतलब आशीर्वाद से। अब कहता है वह विद्वान बने, तो शह विद्वान अभवत, शह विद्वान अभवत। ग नंबर में है कालिदास का विवाह विद्योत्मा के साथ हुआ, कालिदास का कालिदासस्य विवाह के लिए विवाह, कालिदास का विवाह कालिदासस्य विवाह। अब कहता है विद्योत्मा के साथ हुआ, विद्योत्मा के साथ, के साथ, के साथ का संस्कृत होता है सह, तो सह के चलते तृतीया, तो इसको लिखेंगे विद्योत्मया मया शह विद्योत्मा के साथ। अब कहता है हुआ, हुआ के लिए अभवत। अब घ नंबर में है चौथा उपमा के प्रयोग में कालिदास प्रसिद्ध हैं, उपमा का के की, तो उपमा के उपमाया प्रयोग में प्रयोगे, उपमाया प्रयोगे मतलब उपमा के प्रयोग में कालिदास प्रसिद्ध हैं, इसको लिखेंगे कालिदास प्रसिद्ध अस्ति। उपमा के प्रयोग में कालिदास प्रसिद्ध हैं, उपमायाः प्रयोगे कालिदासः प्रसिद्धः अस्ति। अब है कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की, इसका लिखेंगे कालिदासः अनेक ग्रंथों की, तो इसको लिखेंगे अनेकान ग्रंथान और रचयत। कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की यानी कालिदास अनेकान ग्रंथान और रचयत। क्वेश्चन नंबर चार में उचित पद द्वारा रिक्त स्थान भरिए, तो छ स्थान है, छ सेंटेंस है, छ में छ वर्ड को भरना है। तो क नंबर में डैश प्रयोगे कालिदास प्रसिद्धम अस्ति, डैश के प्रयोग में कालिदास प्रसिद्ध हैं, तो इसमें उपमा यह आएगा कि उपमा के प्रयोग में कालिदास प्रसिद्ध हैं। नंबर ख बाल्यकाले कालिदास डैश आसित, बचपन में कालिदास डैश थे, तो इसमें हम लोग मूर्ख को भरेंगे कि बचपन में कालिदास मूर्ख थे। ग नंबर में लिखा है शह डैश मंदिरे आराधनाम कृतवान, वे डैश के मंदिर में आराधना किए, यहाँ पर हम महाकाल्याह लिखेंगे कि वे महाकाली के मंदिर में आराधना किए। घ नंबर में देखिए
कालिदासः महाराजः डैश सभा पंडितः आसीत। कालिदास महाराज डैश के सभा पंडित थे। किस राजा के सभा पंडित थे? तो यहाँ हम लोग विक्रमादित्य लिखेंगे कि राजा विक्रमादित्य के वे दरबारी पंडित थे। अंग नंबर में कालिदासः भारतस्य डैश कथ्यते। तो कालिदास भारत के क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर शेक्सपियर लिखेंगे, शेक्सपियर कहलाते हैं। छ नंबर में कालिदासः अनेकान डैश अरचयत। कालिदास ने अनेक डैश की रचना की। तो कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यहाँ पर ग्रंथान आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन है कि भारतस्य शेक्सपियरः कः कथ्यते, भारत के शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? तो भारतस्य शेक्सपियरः कालिदासः कथ्यते, भारत के शेक्सपियर कालिदास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कालिदासः कस्याः मंदिरे आराधनां कृतवान, कालिदास किसके मंदिर में आराधना किए? तो कालिदासः महाकाल्याः मंदिरे आराधनां कृतवान, कालिदास महाकाली के मंदिर में आराधना किए। ग नंबर में देखिए, कालिदासेन रचितानि नाटकानि नामानि लिखत, कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटकों के नाम लिखें। तो आंसर है कालिदासेन रचितानि त्रीणि नाटकानि सन्ति, कालिदास के द्वारा लिखे गए तीन नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञानशाकुंतलम च, यानी मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञानशाकुंतलम। अगला क्वेश्चन है घ नंबर में है कि कालिदासः कस्य नृपस्य सभा पंडितः आसीत्। कालिदास किस राजा के सभा पंडित थे? तो यहाँ लिखेंगे कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभा पंडितः आसीत्, कालिदास विक्रमादित्य के सभा पंडित थे। अगला क्वेश्चन अंग नंबर में, कालिदासस्य विवाहः कया सह अभवत्, कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ? तो कालिदासस्य विवाहः विद्युतमया सह अभवत्, कालिदास का विवाह विद्युतमा के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है च नंबर में कि कस्य आशीर्वादेन कालिदास विद्वान अभवत, किसके आशीर्वाद से कालिदास विद्वान हुए? तो इसका आंसर है महाकाल्याः आशीर्वादेन कालिदास विद्वान अभवत, महाकाली के आशीर्वाद से कालिदास विद्वान हुए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में छह प्रश्न है, सबका उत्तर हो गया और इस प्रकार से पार्ट 2 की समाप्ति भी हो गई। अब अगले क्लास में हम लोग लेसन 3 पर प्रकाश डालेंगे।